अरे ना रिक्स ले ना, मेरे लाओ वो, देखिए देख रहा मिल गया, देख सकते हैं। भाग जा भाग जा, पकड़ पकड़ पकड़, देख देख ये क्यों नहीं मुझे बताते, चल क्या नाम दो दो ले जा, दो 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 दो, मार दो मार दो, दूर से कोई टॉर्च मारो, वो देख अभी जाके पकड़ लेंगे गाइस, अभी अकेले कर दो उतर दे, वो देख तो गाइस देख सकते कितना डेडली स्नेक है यहाँ पर, एक बार काट लिया तो मतलब मारना पक्का है, इतनी ठंडी है जगह, इसलिए शायद इसे स्नेक आइलैंड कहा जाता है गाइस, बहुत ही डरावना जगह है। तो लोग इसे मारने के लिए कह रहे हैं, देख सकते हैं मतलब बहुत ही भयानक है गाइस, इसे मारने के लिए कह रहा है तो मर सकता है इसे अभी, क्योंकि अगर एक काट लिया तो हमें मरना पड़ेगा, देख सकते हैं बहुत ही भयानक है ये सांप, दिखने में मतलब बहुत ही भयानक लग रहा है जो। तो ये लोग अभी कुछ ढूंढ रहा है, लकड़ी का टुकड़ा या सख्त सा कुछ इसे मारने के लिए, और सामने कोई मेडिकल शॉप या हॉस्पिटल भी नहीं है, हमें मरना पड़ेगा वरना, कुछ ढूंढ तो लिया है। আরে দৌড়া একটা তুমি ওই দেও মাথা উফরে মাথা উফরে দাদি বাইসা কই যাইতা থাকে আর দিবে তুমি কই তার বাইরা একটা আমার মার দিয়া দেখতে দেখো দেখ सकते हैं गाइस मार ही दिया है জালিম ওনে দেখে হত্যা করুন এই দে হত্যা না করুন তুই মাইরা লাস মাইরা রে তবু জয় শ্রী রাধে। तो गाइस लोकेशन देख सकते हैं बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक, मैं जिन तीन लोगों के साथ अभी हूँ और यहाँ का ट्रेडिशनल हंटर है, इनकी नज़र से कुछ नहीं बचता, ये देखिए कुछ फिर से फंस गया शायद उनकी दार पे, ये देखिए कुछ कॉन्फिडेंस ना हो, बराबर नहीं हाँ कुछ पकड़ लिया फिर से, चलो चलो देख लो मैं कौन है, फिर से पकड़ लिया भाई, अच्छा के छूट गया, नहीं पकड़ लिया, देखिए अब यहाँ से जाना पड़ेगा एक नया जगह, बहुत ही डरावना जगह है जो भी है, कृष्ण कृष्ण कुछ तो फिर से पकड़ा, ये देखिए भाई साहब बहुत ही सुंदर है, इससे बार बार छूट रही है मछली है गाइस, बट पकड़ लेता है बच्चा, होशियार है दिया, फिर से शायद कुछ मार दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत जोर से कुछ तो पक रहा है, मतलब जिसे भी एक बार मिलता है टुकड़ा हो जाता है, ये देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस इनके आंखों के आंखों से मतलब कुछ नहीं बच सकता है, देख सकते हैं फिर से ढूंढ रहे हैं, मतलब गिद्ध के आके पाए हैं यहाँ के ट्रेडिशनल जो फिशर हंटर है यहाँ का, और देख सकते कोई भरचा कोई बाला नहीं इनके हाथों में, ऐसे ही एक तार लेके देखिए दे दे। तो ये भाग गए गाइस, ये मछली मतलब बहुत ही स्पीड में, और पानी भी बहुत था यहाँ पर, फिर से कुछ पकड़ लिया, देख सकते ये देखिए टुकड़ा कर दिया, मतलब जो भी मारता है एक बार में खत्म, और देख सकते और टुकड़ा। तो अभी इनके पीछे जाना पड़ रहा है, पता नहीं और कहाँ जाना पड़ेगा गाइस, बहुत सारा मतलब जंगल है साइड में, और फिर से कुछ मार दिया है शायद, देख सकते हैं गंदा कर दिया है पानी, मिला नहीं शायद, शायद मिला नहीं गाइस, देख सकते हैं देखिए मतलब कीचड़ के नीचे चला जाता है जो
मछली देखिए मिल चुका है गाइस। कौन सा मछली पता नहीं बट मिल चुका है। अभी कहाँ से जा रहा हूँ देख सकते हैं, बांस के बगान के नीचे ठीक नीचे से। रात के अभी 12 बज रहे हैं, मतलब क्या बताओ, अभी घड़ी भी नहीं है हाथ में, नहीं तो दिखाई दो। सामने से कुछ मक्खियाँ भन बना रहे हैं देख सकते हैं। बहुत ही अंधेरा और बहुत ही डरावना है भाई लोग। अगर आप लोग एक्सप्लोर कर पाते हैं एक्सपीरियंस को, मतलब मैं शेयर नहीं कर सकता। बहुत ही गाइस डरावना जगह, मतलब बहुत ही डरावना जगह और बहुत ही गंदा सा जगह है जो भी है। बट हमें ब्लॉग बनाने के लिए यहाँ पर आना पड़ा। देख सकते फिर से खेकरा पकड़ लिया है फिर से। वैसे नॉर्मल ये जगह बहुत ही फ्रेश है, यहाँ का पानी और हवा पूरे जंगल के बीचों बीच। इसलिए मैं गंदा नहीं कह रहा हूँ, गंदा कह रहा हूँ क्योंकि ये डरावना जगह है, इसलिए गंदा कह रहा हूँ, मतलब मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए आंखें मतलब इतने तेज है इनके, इतने रात गए भी देख रहे हैं कैसे। देखिए कुछ तो ढूंढ रहे हैं, बहुत ही पानी है यहाँ पर, फिर से कुछ ढूंढ रहे हैं गाइस देख सकते हैं। ये पकड़ भी लिया शायद, ये मिट्टी के नीचे दबा रहता है ये मछलियाँ। ये देखिए ओ भाई कितना डरावना है, देखिए सिर काट दिया है मछली का। बाहर से पानिया बहक रहा है, मतलब नीचे गिर रहा है गाइस। बहुत ही औसम जगह है, देखिए फिर से मारा है कुछ भाई ने। ये देखिए कहाँ से पकड़ के लेके आया देख सकते हैं, बांस के नीचे से गाइस। ये देखिए जो मछली पकड़े है बहुत ही चालाक होता है। ये देखिए कुछ ढूंढ लिया है, बटिया का बहाव बहुत ही ज्यादा है गाइस। ये देखिए चला जा रहा है, पकड़ नहीं पाएगा शायद, बहुत ज्यादा है बहाव यार। बड़े बड़े क्रेबियन के खेकरे इस मिट्टी के नीचे दबा रहते हैं गाइस। मिले नहीं तो हार नहीं मानेंगे गाइस, मतलब ढूंढते रहते क्योंकि ये इनका रोज का काम होता है, यहाँ के प्रोफेशनल मतलब हंटर है ये। तो मुझे मतलब जितना बुरा फील हो रहा है इनके लिए, उन्हें मतलब इतना उनके लिए फील नहीं हो रहा क्योंकि इनका रोज का है, मिलता है फिर नहीं मिलता है ऐसा। देखिए फिर से कोशिश कर रहा है पकड़ने की जी जान कोशिश कर रहा है, और मिल भी गए शायद या नहीं मिला। रेत के नीचे दबा रहते हैं गाइस, मतलब भाग जाते हैं रेत के नीचे से मछली, बहुत चालाक होते हैं यहाँ का देख सकते हैं। तो दूर से कौन टॉर्च मार रहा है, और सामने जाके देखिए आप हमारी मतलब फूफा जी है ये। इस जगह पे गाइस पूरा मतलब शांत रहना पड़ेगा, ये जगह ऐसा है थोड़ा भी आवाज किया तो खत्म चला जाएगा देख सकते हैं। ये देखिए कुछ मिल गया है, अब देखना भाई। ये देखिए इसे सिंगी माछ बोलते हैं गाइस, बंगला में इसे सिंगी माछ बोलते हैं। देख सकते हैं कैसे पकड़ लिया भाई ने, मतलब ये बहुत ही डेडली मतलब फिश होते हैं, इनके कांटे भी होते हैं दो नुकीले, लग गए तो मतलब काम खत्म। तो भाई लोग मुंह में कुछ घुस गया था मतलब कीड़ा। ये देखिए फिर से कुछ पकड़ लिया है बड़ा, ये देखिए क्रैब पकड़ लिया फिर से भाई, कितना बड़ा खेकरा है देख सकते, कितना बड़ा खेकरा। अगर मैं पकड़ने जाऊँ तो मुझे मतलब काट के मेरी उंगली को दो टुकड़े में बांट दे शायद। एक बार मतलब रेत के नीचे के बहाव में घुस जाए मछली तो पकड़ना मुश्किल नहीं गाइस, नामुमकिन हो जाता है यहाँ पर देख सकते हैं। फिर अब जितने भी हाथ पैर मारे कोई काम नहीं होगा।
यहाँ से देख सकते भाग गया मछली, भाई साहब यहाँ से उतर गया। अब मैं भी चाहता हूँ गाइस, मैं भी जा रहा हूँ इनके पीछे। देख सकते हैं मतलब बहुत ही कोशिश कर रहे हैं। वो मछली बड़ा था गाइस, बहुत ही बड़ा, बट ये छूट गया है। उनसे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, मिस्टेक क्या, यहाँ पर पानी भी बहुत है और रेत भी देख सकते हैं नीचे, बट यहाँ पर कुछ मिला नहीं। तो गाइस आज का वीडियो था इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। तो गाइस नाइट फिशिंग के थर्ड पार्ट हम जल्द से जल्द लाने की प्रयास करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। सावधान रहिए और सतर्क रहिए और देखते रहिए ओम प्राण ब्लॉग्स। थैंक यू।